इंडियन एयरफोर्स ने एयरबस के साथ C295 एयरक्राफ्ट की डील की है जिसे टाटा कंपनी देश में बनाएगी, पर क्या ये एयरक्राफ्ट इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या टाटा कंपनी इसे एक कॉस्ट एफिशिएंट एयरक्राफ्ट बना पाएगी? तो आज की इस वीडियो में ये टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। टाटा को 40 C295 एयरक्राफ्ट बनाने का एक बड़ा ऑर्डर मिला है जिन्हें 10 सालों में एयरफोर्स को डिलीवर करना है। इसी के साथ देश में नई टेक्नोलॉजी भी आएगी। C295 एक टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है जिसके चलते ये काफी सस्ता पड़ता है और इजी फॉर मेंटेनेंस भी होता है, तो कुल मिलाकर ये एयरक्राफ्ट काफी सस्ता होगा। तो इन्हें मिलिट्री में यूज तो किया ही जा सकता है, साथ ही बाकी बचे लाइट कार्गो एयरक्राफ्ट जैसे एंटोनोव AN-32 को भी इस एयरक्राफ्ट से रिप्लेस भी किया जा सकता है और इन्हें एज एवैक्स और टैंकर एयरक्राफ्ट भी यूज किया जा सकता है। तो फ्यूचर में इसके अच्छे खासे नंबर में ऑर्डर मिल सकते हैं। साथ ही इतने ऑर्डर के चलते इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी और देश में बनेंगे तो ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट भी होंगे। ऐसे में इन्हें सिविल मार्केट में भी उतारना चाहिए क्योंकि जो देश की घरेलू ज़रूरतें हैं वो 1000 एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को देखें तो एयरबस के C295 एयरक्राफ्ट की इंडिया में काफ़ी अच्छी स्कोप दिखती है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन शायद इंडियन एयरफोर्स ने चूज़ किया है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो देश में उड़ान स्कीम पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है जिसके अंदर देश के हर छोटे शहर को बड़े शहर से जोड़ना है। साथ ही इन्हें काफ़ी कॉस्ट इफिशियंट भी रखने की कोशिश की जाएगी जिस कारण देश का हर नागरिक एयरप्लेन में ट्रेवल कर सकें और बहुत ज़्यादा अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। इसके लिए पहले से ही काम किया जा रहा है जिसके अंदर सार्स एमक्यूटू प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। साथ ही डोनियर डू 228 एयरक्राफ्ट को भी सिविल मार्केट में उतारने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में C295 को सिविल मार्केट के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए जो एक बड़ा और एक चीप एयरक्राफ्ट चाहते हो। ये एयरक्राफ्ट काफ़ी सस्ता होगा, इस एयरक्राफ्ट की कॉस्ट काफ़ी कम रखी जाएगी क्योंकि इन्हें सर रतन टाटा की कंपनी बनाएगी जो कंपनी अपनी 60% इनकम चैरिटी में दे देती है और सबसे कम कॉस्ट पर चीज़ें अवेलेबल कराती है। वहीं पर इस C295 एयरक्राफ्ट का देश में एक बहुत बड़ा स्कोप दिखता है। देश को ऐसे 1500 से 2000 एयरक्राफ्ट या इससे भी ज़्यादा की जरूरत अगले 10 से 15 सालों में होगी। इस एयरक्राफ्ट की पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। वहीं टाटा पोइंट जैसी कंपनी के लिए एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी कंपोनेंट पहले से ही बनाती है, तो टाटा यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को भी यूज़ कर सकती है और पैसों की कमी नहीं है जिसमें ज़रूरत पड़ने पर नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए जा सकते हैं और इनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। और टाटा पहले ही स्टील और एल्युमिनियम के फील्ड में है, लगभग हर रॉ मटेरियल की सप्लाई टाटा कंपनी खुद कर सकती है और अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो एयरबस कंपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि C295 एयरक्राफ्ट को काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलेगा, उड़ान स्कीम को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है और टाटा कंपनी इसे काफ़ी सस्ता रखती है, तो इन एयरक्राफ्ट के देश को काफ़ी ज़रूरत है और काफ़ी बड़े नंबर में इन्हें शायद खरीदा भी जाए। तो और बाकी सब फ्यूचर में देखते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।